नमस्कार मित्रों, ICY में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लासेज। और इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, इससे पहले अपने सभी मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। और सबसे पहले आप भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच जाए। कॉमेंट में जो कुछ पूछना हो कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आज हम एनाटॉमी की पहली क्लास में शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा सेल से रिलेटेड है, सेल बेसिक सेल फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन, सेल ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन मोमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल का पूरा टॉपिक है वो पढ़ें। सबसे विशेष बात ये है कि आज हम आपको एक ऐसे माध्यम से सेल के बारे में फिजियोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं उसकी, कि वो आपको बिल्कुल ईजिली समझ आ जाए। एक बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं ताकि सबको आसानी समझ आ जाए। तो हम आज एक लघु एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलो हम देखते हैं किस तरह से सेल की रचना होती है और किस तरह से वो काम करती है। चलो हम दिखाते हैं अब आपको सेल के बारे में। ये है हमारा सेल जो हमने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। और इसकी संरचना को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट आज हम आपको करके दिखा रहे हैं। सेल की रचना कैसे होती है, कैसे काम करता है। सबसे पहले सेल क्या है? सेल सबसे पहले कोशिका शरीर का मुख्य और सबसे सूक्ष्मतम रूप है। जो जीवित पार्ट होता है वो सबसे छोटा रूप सेल ही होता है। इससे छोटा पार्ट जीवित रूप में कुछ नहीं होता हमारे शरीर में या किसी भी जीवित वस्तु में। और इसको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। और इसकी मूलभूत संरचना कुछ इस तरह से होती है जैसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। इस तरह से बना होता है। इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल में तीन चीज़ मुख्य रूप से होती हैं। एक तो जो ये हम देख रहे हैं आउटर लेयर वाली, ये वाले पोर्ट जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति और या सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड और ये सब कुछ मैटर है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और इसके अंदर एक ये वाला पार्ट हमने रखा बिल्कुल छोटा जो सेल का सबसे मुख्य पार्ट होता है, इसको हमने इसमें डिनोट किया है न्यूक्लियस से। ये हमारा न्यूक्लियस है। और ये विभिन्न इसकी अलग अलग जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो हैं। और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया ये सारा अंदर का पार्ट होगा साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। और जो साइटोप्लाज्म है उस पार्ट को हम फिर से हम बांटते हैं दो पार्ट में। एक तो साइटोसोल होता है, ये वाला पार्ट जो वाटर पार्टिकल्स लिक्विड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम साइटोसोल। ये इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये जो इसके अंदर तत्व डाले गए हैं, इसके छोटे छोटे ये वाले पार्ट हैं, ये हैं छोटे छोटे ये लघु हैं, ये वाले हैं, ये हैं, ये सभी ये जो सेल के अंदर माइक्रो पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं हम ऑर्गेनल्स। और ऑर्गेनल्स को भी दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, उनका जिक्र हम आगे करेंगे कौन सा किस में होता है। एक तो होता है सिंगल मेम्ब्रेन जिसकी इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है ऊपर से। एक ऑर्गन किसी ऑर्गन्स के ऊपर से एक लेयर होती है, किसी के ऊपर से दो लेयर होती हैं, तो इनको बोलते हैं सिंगल लेयर ऑर्गन्स और डबल लेयर ऑर्गन्स। और कुछ इसमें चीज़ होती हैं जो मेम्ब्रेन लेस होती हैं जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है इसको मेम्ब्रेन लेस, इसमें कोई बाहर से झिल्ली नहीं होती। और अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, आउटर लेयर जिसको हम त्वचा बोल सकते हैं सेल की, ये वाला पार्ट। इसमें इसका क्या फंक्शन होता है, किस किस चीज़ से बना होता है? ये पूरा जो लेयर होती है बाहर की बॉडी, ये इसमें 75 होते हैं फोस्फोलाइट्स लिपिड्स, फोस्फिल लिपिड्स मतलब वसा 75%, और कोलेस्ट्रोल इसके 20% के आसपास होता है इस, यानी प्रोटीन 75 इसके अंदर लिपिड्स हैं और 20% हैं प्रोटीन। और ग्लाइकोलिपिड्स 5%। ये लिपिड्स के दो प्रकार इसमें हैं, फास्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। 70% ऑफ फास्फोलिपिड्स हैं और 5% होता है ग्लाइकोलिपिड्स, और 20% है कोलेस्ट्रोल मतलब प्रोटीन। ये सेल का आउटर पार्ट बनाते हैं। और ये सेल का जो बाहर का पार्ट है ये सबसे मेन फंक्शन होता है, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो रिलेट करता है, या इसके बाद हम सेम
ऐसे एक सेल और जोड़ते हैं तो एक दो दूसरी सेल को ये कनेक्ट करता है। और इसके मेजर फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है, मतलब एक लेयर से दूसरे में जाने के लिए एक बैरियर का काम भी करता है, किसको बाहर भेजना किसको नहीं भेजना उसका काम ये कंट्रोल करता है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है ऑक्सीजन को अंदर लेना है ये काम करता है। सेल आइडेंटिटी मेकर, ये एक सेल को आइडेंटिफाई करता है कि ये सेल एक सेल कंप्लीट हो गया ये दूसरा सेल कंप्लीट हो गया, इस तरह से चलते रहते हैं। और प्रोटेक्ट सेलुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिक्विड वाला पार्ट है इसको प्रोटेक्ट करता है ये लेयर्स। और इससे आगे वाला पार्ट हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे थे, ये अंदर वाला जितना है साइटोप्लाज्म बोलते हैं न्यूक्लियस को छोड़कर सभी चीज़ उसके अंदर आती हैं। इसका डिवे इसको हम साइटोप्लाज्म, जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं सेल की वो साइटोप्लाज्म पे ही डिपेंड करती हैं। इसमें श्वसन लगा सकते हैं, गतिशीलता, पाचन है, चपा अपचय है, और उत्तेजनशीलता है, उत्सर्जन है, प्रजनन आदि क्रियाएं इस पूरे इंटरनल सेलुलर मैट्रिक्स जितना लिक्विड है और ये जितने ऑर्गेनल्स हैं इन पे डिपेंड करता है। जीवित अवस्था में इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, और वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक ट्रांसपेरेंट रंगहीन पदार्थ है। इसमें दो तरह के तत्व पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक तत्वों के अंदर जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, घुलनशील और अघुलनशील जो सभी तरह के इसमें पाए जाते हैं, तो वसा पाई जाती है इसके अंदर। और अकार्बनिक रूप से इसे फास्फेट हैं, क्लोराइड हैं, कैल्शियम, जितने अपने मिनरल्स हैं वे लगभग इस सेल के इसी पार्ट में पाए जाते हैं। और अब देखते हैं साइटोप्लाज्म को, हम बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, साइटोसोल जो लिक्विड वाला पार्ट है और ऑर्गेनल्स, ऑर्गन्स जितने मतलब ये छोटे छोटे इसके अंदर पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं। 55% कवर होता है लिक्विड से सेल का पार्ट, अंदरूनी पार्ट, और 45% में ये जो ऑर्गन्स छोटे छोटे ऑर्गेनल्स बोलते हैं इनको, ये सब मिला के 45% एरिया एक सेल का कवर करती हैं। और ऑर्गेनल्स जो हमने बताया था कि सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं और डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन लेंस होते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सिंगल लेयर हैं। सिंगल लेयर में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम। और डबल लेयर्स में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट्स, और मेम्ब्रेनलेस में आते हैं राइबोसोम और सेंट्रोसोम। अब हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है और किस पार्ट का क्या नाम है। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें साइटोसोल, हमने बताया लिक्विड वाला पार्ट है, और उसके बाद ये ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में पहला आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जिसको हम बोलते हैं पहले वाला पार्ट, जिसमें ये वाला सेंट्रोसोम को दिखाएगा आपको, हम दिखाते हैं एक एक चीज को आपको ले जाएगा, ये सेंट्रोसोम, ये वाला पार्ट सेंट्रोसोम है। इसको हम ध्यान से देख पा रहे होंगे, सेल के अंदर से निकाल कर बिल्कुल आपको नज़दीक ला के दिखाया गया है। ये होता है, ये तीन रोड ऐसी हैं इसमें, एक क्लस्टर में तीन तीन के कंबाइंड होते हैं, और ये न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है। इसमें मतलब तीन तीन के क्लस्टर पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स ऑर्गन्स। और इनको बोलते हैं सीलिया और फिबुला। सीलिया छोटे वाले को बोलते हैं सीलिया, और इसको बोलते हैं फिबुला। ये दूसरी सेल को अपने साथ जोड़ते हैं, जो बड़े वाले हैं जैसे बांधने का कार्य करते हैं, छोटे वाले हैं सूक्ष्म रूप से दूसरी सेल के साथ जुड़े रहते हैं, ये आउटर लेयर्स के साथ जुड़े रहते हैं। जो बड़े हैं उनको इतना ही समझ लेते हैं फिबुला बोलते हैं, और छोटे वाले को बोलते हैं सीलिया। अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे ये सेल के अंदरूनी पार्ट में होते हैं और न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, जैसे ये इनको बोलते हैं राइबोसोम, इनको बोलते हैं ये साइट ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इनको बेसिकली, जो ये सेल के आसपास रहते हैं राइबोसोम्स, इनको
प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ये एकांकी रूप से भी हो सकते हैं, एक एक भी हो सकते हैं, और ग्रुप्स में क्लस्टर के रूप में भी बाहर से जमावड़ा बनाए रखते हैं। और ये इनमें ही आरएनए का निर्माण होता है ऐसा बताया जाता है। साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाता है। इनका निर्माण जो ये राइबोसोम है इनका निर्माण ये बताया जाता है कि न्यूक्लियस में होता है और यहाँ से निर्माण होकर बाहर आते हैं, इसलिए ये इसके आसपास ही ज़्यादातर मात्रा में जमाव रहता है। और इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये दो प्रकार के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये वाले होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इनके अंदर जो ये राइबोसोम्स हैं प्रोटीन के हैं ये पंक्तियों में होते हैं, ये बाहर से न्यूक्लियस के ऐसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऐसे रहते हैं, और इन्हीं के अंदर ये जो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री को कहते हैं ये इनके साथ साथ ऐसे लाइनों में न्यूक्लियस के बाहर बाहर होते हैं और इनमें लाइनों में मिलते हैं। और इसके अलावा जब ये राइबोसोम मिलते हैं ये तो पंक्तियों में नहीं होते, पूरी सेल में लगभग आप देख पा रहे हैं कि दूर तक फैले हुए हैं। और ये वाले हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये भी सेल में आसपास घूमते रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स हैं इनमें लिपिड्स और स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं इनका निर्माण इनके अंदर होता है। किसका निर्माण? लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है। ये कोशिकाओं के आवेगों को सहमन करते हैं। लीवर की कोशिकाओं में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण का कार्य यही करते हैं। अमाशय पेट के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, जैसे हमारी मसल्स हैं स्टोमैक है अंदर से स्मूथ होता है, उसकी लेयर्स नहीं होती, खुद ही लेयर्स खुद ही बनाता अपनी। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो बोलते हैं इसका स्राव इनसे होता है, किससे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। और एक चीज़ हम आपको बता दें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था इसके अंदर जैसे अपना RNA होता है, RNA के तीन होते हैं mRNA, tRNA और rRNA। तो mRNA को बोलते हैं मैसेंजर RNA और T को बोलते हैं ट्रांसलेटर RNA और R को बोलते हैं जो प्रोटीन का निर्माण को स्राव करता है। और जो R एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुल rRNA हैं वो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुल इसी में मिलते हैं। और इसके बाद बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये कपलाक शेप होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, जैसे ये वाला पार्ट हम मान के चलते हैं, ये हमारा दिखाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो अपनी सेल है इसमें एक्टिविटी होती रहती है, कंटिन्यू चलता रहा, इसके अंदर से जो डस्ट पैदा होता है वो एक जगह इकट्ठा होता है। और इसके अंदर ये आपका जो दिखा गया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या अपरेटस, ये एक डस्टबिन का कार्य करता है एक किस्म से, जिसमें भी एक्टिविटी से जो भी डस्ट बनता है सेल का क्रिया से वो इसमें आता है, और ये उस अपने डस्ट को इकट्ठा करता है, ऐसे अपने आप को खाता है। और इसको इकट्ठा करने जब ये भर जाता है तो इसको ये सेल के मेम्ब्रेन तक लाके छोड़ देता है ऐसे, और इससे बाहर निकल जाता है। जैसे हम इससे जो निकलता पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, या हमारा उत्सर्जन तंत्र है उससे बाहर निकल जाती हैं वो चीज़ें। इसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का, लिख सकते हैं आप। मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे सेल में घूमता रहता है और जो डस्ट है उसको इकट्ठा करके बाहर छोड़ता है। इसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम पढ़ते हैं, ये जो एक हम बोलते हैं कप लाइफ शेप में ये होता है, ये भी अपने सेल के अंदर घूमता रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो हमारे सेल के अंदर हाइड्रोक्लोराइटिक एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं जो कोशिका के भीतर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वसा या न्यूक्लिक एसिड के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में खंडित कर देते हैं।
कई बार विशेष परिस्थितियों में लाइसोसोम अपने जो अंदर जो इसके पदार्थ हो उसी को ही खा जाता है ये लाइसोसोम, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग, इसको हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ये पता क्या करता है, जब हम सेल के अंदर अपनी क्रिया कराता है, इसको जो अपने खुद को ही ग्रोथ करने के लिए जो चीज़ बनानी होती है उन्हीं को अपने आप ही खा जाता कई बार, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। और साथ साथ इसको ये भी कहते हैं अंतरकोशिकीय पाचन, इसे पाचक उपकरण भी कहते हैं, जो अंदर चीज़ होती है उनको अपने आप ही खाता रहता है और पचाता रहता है। जीवाणु भक्षण, इसको सबसे मेन रहता है, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं, जीवाणु जो हार्मफुल हैं उनको ख़त्म कर देता है, ये घूमता रहता है, इसका मतलब इससे ज़्यादा लीवर वगैरह के आसपास पाए जाते हैं। प्रोक्सीसोम्स, इसके बाद प्रोक्सीसोम्स को लेते हैं हम, प्रोक्सीसोम्स ये भी एक ऐसे ही कप लाइक शेप में होता है, इसका एक्चुअल शेप इसमें यहाँ नहीं दिखा, ऐसे कप लाइक शेप में होता है ये, इसको हम देखते हैं इसकी एक्टिविटियों के बारे में। प्रोक्सीसोम्स जैसे हम एल्कोहलिक कोई चीज़ पी लेते हैं हमारे बॉडी में, या ऐसी जो हार्मफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हम रिमूव नहीं कर पाते इजीली बॉडी से, लाइक एल्कोहल अदर सब्सटेंस, ये उनको अपने अंदर लेता है, खा जाता है उनको और उनको समाप्त करके उनकी उनके जो साइड इफेक्ट है उनको ख़त्म कर देता है अपने शरीर के अंदर से। इसको ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है लीवर के आसपास, जब एल्कोहल लेते हैं तो हमारा लीवर कमज़ोर होता है, इनकी मात्रा यदि अधिक होगी तो लीवर इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं हो पाता, इस तरह से ये काम करता है। और इससे आगे रह जाता है प्रोटीसोम, प्रोटीसोम जो हमारी सेल के अंदर प्रोटीन्स हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और हम हमारा शरीर एवरेज से ज़्यादा जितना हम यूज नहीं कर पाते उससे ज़्यादा प्रोटीन क्रिएट हो जाते हैं, उसको डिस्पोज का काम करता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम ये प्रोटीसोम। ये एक उसी तरह से तो बाल्टी की लाइफ के शेप कैसे कप लाइक शेप, ये तीनों की शेप इनकी लगभग एक जैसी होती है, प्रोटीसोम प्रोक्सीसोम्स और लाइसोसोम, ये इसलिए लगभग लगभग एक जैसी होती है। ये हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स बता दिया था, इसको अब करते हैं इस साइड। और सबसे मेन जो सेल का रह जाता है ये वाला पार्ट, इसको क्या कैसे आप अनुभव कर पा रहे हैं, इसमें हमने टेबलेट के ऊपर का रैपर्स लगाया है, अंदर कुछ सब्सटेंस डाला है इसका शेप दिखाने के लिए आपको, इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। देखो पावर हाउस जैसा बनाया गया, इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऐड किया गया है, जैसे इसको ट्रांसफार्मर की तरह ऐड करके इसके अंदर छोड़ा गया है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी होता है जो जनरेट करती है एनर्जी एक सेल के अंदर, उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी वजह से सेल के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, वो है उसका काम यही करता है एनर्जी, एटीपी एनर्जी को जनरेट करने का, इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है, पूरी सेल को एनर्जी देता है ये पावर हाउस के रूप में बनकर। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लीवर में और किडनी में और मसल्स में, इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिस साइज़ बढ़ाना हो मसल का एक्सरसाइज से तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के रूप प्रोडक्टर के रूप में उसमें मसल्स में या लीवर्स में पैदा होते, तब जाके हम उससे कोई काम कर सकते हैं। और अब सबसे लास्ट वाला रह जाता है न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस ये एक स्पीयर की तरह बना हुआ है, गोल गोल जैसा हम देख पा रहे हैं, देख स्पीयर के रूप में, इसको अंगूठे नहीं समझना, ये एक न्यूक्लियस है एक सेल का, इसी के बेस पर अगली सेल का निर्माण होता है। मोर सेल है सिंगल न्यूक्लियस, बहुत सारी सेल होती हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, और कई सेल ऐसी होती है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और कई सेल हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं मसल्स के अंदर, और रेड ब्लड सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, और जो हमारी मसल्स हैं उनमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं।
और इस न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्मा केंद्रक द्रव के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर जैसे हम ये देख पा रहे हैं, ये पूरा न्यूक्लियस है, इसका ये वाला पार्ट हम बिल्कुल सामने आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा होता है केंद्र द्रव, जिसे गुणसूत्र कहते हैं हम, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, वो सभी का निर्माण होता है। इसके अंदर से समझ लेते हैं क्रिया संरचना क्या, उसको आप लिख भी सकते हैं। सिस्टमेटिक रूप में होता है ये डीएनए से क्रोमेटिन बनाता है, और प्रत्येक क्रोमेटिन में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और सूक्ष्म रचनाएं जिसे जीन कहते हैं, जो अनुवंशिकता को ट्रांसफ़र करते हैं। इसी के माध्यम से हम कार्बन 14 के द्वारा डीएनए वगैरह चेक करते हैं, जीन वगैरह पता लगा पाते हैं न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से ही पता चलता है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस, उसके बाद होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, इसके अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट इसके अंदर होता है बिल्कुल वो होता है, और उसके अंदर जो होता है डीएनए हिस्टोन्स बोलते हैं उसको, डीएनए हिस्टोन्स, उस लिक्विड के अंदर डीएनए हिस्टोन्स होता है इसके अंदर, और लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर हिस्टोन्स के अंदर ही क्रोमेटिन नाम का एक बिल्कुल सूक्ष्म पदार्थ पाया जाता है, जो कार्बन 14 के माध्यम से जानते हैं। उसी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं, और उन्हीं से जीन का निर्माण होता है। इस तरह से ये पूरी सेल की संरचना कार्य करती है, और ये हमने देखा सेल के बारे में। और अब हम देख लेते हैं सेल की एक्टिविटी, इसको हम ज़रा सा ही लाते हैं और सारी एक्टिविटियां सेल के अंदर से करने लग जाएगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे। देखते हैं इसको, इस तरह से सेल के अंदर सारे ऑर्गन्स ऑर्गेनल्स हैं, लिक्विड है, ये हिलता रहता हो, और सभी अपने से पोजीशन बदलते रहते हैं और अपने अपने कार्य करते रहते हैं। इस एक्टिविटी को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद करेक्टरिस्टिक और फंक्शन ऑफ द सेल्स क्या हैं। रेस्पिरेशन, श्वसन का कार्य करती हैं हमारी सेल, जो सेल होती है उसके माध्यम से, क्योंकि हम देखते हैं हम बॉडी के माध्यम से भी सांस लेते हैं, रोम छिद्रों के माध्यम से, और एसिमिलेशन क्रिया भी हम इसी के माध्यम से दूसरे के साथ स्वयंकरण कर लेते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के साथ गर्म हुआ तो उसके साथ गर्म कर लेते हैं, ठंडा हुआ तो उसके साथ ठंड, बॉडी वैसा ही अपने को बॉडी को मेंटेन कर लेती है। उत्सर्जन एक्सक्रेशन, जैसे पसीने का उत्सर्जन भी इसी से होता है, हीट का उत्सर्जन भी होता है इससे, हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर, वृद्धि और क्षतिपूर्ति। जब हम सेल ब्रेक होते रहते हैं हमारे दैनिक दिनचर्या कार्य में, और नए सेल बनते रहते हैं, और जो सूक्ष्म या जो सेल वीक होते हैं उनका दोबारा से रिपेयर हो जाता है, और रिप्रोडक्शन, जैसे हम सेल के द्वारा ही ये चीज़ जैसे हमने पढ़ सकते हैं, प्रजनन हो पाता है, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करते हैं हम, जैसे डीएनए, और उत्तेजनशीलता इरिटेबिलिटी, और जब हम किसी बॉडी को बाहर से ऐसे टच करते हैं किसी पार्ट्स को, तब उसमें सेंसिटिविटी होती है और इरिटेबिलिटी होती है। मूवमेंट, गति, जैसे गति तो हमने एग्जाम्पल रूप से दिखा है, सेल के अंदर भी गति होती है और खुद सेल अपने आप भी गति करते रहते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन, रिलीज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी एनर्जी जिसको हम बोलते हैं एडिशन ट्राइफॉस्फेट, और रिलीज CO2, कार्बन को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम। इस तरह से हमारा जो सेल का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम अगला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो जितने भी हमारे श्रोता हैं इस वीडियो को शेयर कर देना, और इसमें कुछ कमी रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो अगले वीडियो में हम पूरी